हेलो गाइस, माय नेम इज़ विहान एंड वेलकम टू माय शो। सो आज मैं आपको एक पेपर का रॉकेट कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाला हूँ। सो उसके लिए आपको चाहिए है सीजर, दो A4 साइज पेपर्स, सेलो टेप और कुछ नहीं, बस इतनी चीज़ें आपको चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी। सो गाइस, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं विद द रॉकेट मेकिंग। तो फर्स्टली आपका जो भी सामान है आप उसको साइड में रख दीजिए, और A4 साइज जो पेपर है, आपका जो भी साइज का पेपर है वो आप ले लीजिए। और एक और बात बताना चाहता हूँ, जितना बड़ा पेपर लेंगे उतना बड़ा आपका रॉकेट बनेगा, बट अगर आप A4 साइज लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि छोटे जो रॉकेट्स रहते हैं वो आसानी से उड़ते हैं, ज्यादा बड़े रॉकेट्स आसानी से उड़ते नहीं। सो A4 साइज पेपर्स आर द बेस्ट साइज पेपर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। सो फर्स्टली फोल्ड द पेपर इन हाफ, एंड देन टियर इट विद द लाइन। And keep the two papers aside. Guys, give me 1 minute. In this, the battery is getting off. Yeah. Now I have to do the all things very fast. So we will do very fast all them. Yeah. Now take the second paper A4 size one. But firstly, take the clip roll and open it, and then paste it on the paper full. If it do not, then the clip roll, we just roll the full paper just 1 minute. I need the help of my mom. Come here please. I need your help. One minute, guys. So, guys, when you roll the, जब आप पेपर को पूरा रोल कर देते हैं तब उसको सेलो टेप से चिपका दीजिए, क्योंकि ग्लू से वो चिपकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, और अगर वो खुल जाता है तो उसको फिर से करना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए आप उसको ग्लू मत कीजिएगा, ज्यादा ग्लू ही ना कीजिएगा, बस सेलो टेप लगा दीजिएगा, एक मिडल में लगा दीजिएगा, एक कॉर्नर में लगा दीजिएगा और एक यहाँ पे एक कॉर्नर में लगा दीजिएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बारी, बस ज्यादा बड़े टेप, ज्यादा टेप मत लिया लेना, वरना फिर वो ज्यादा टेप लेते हैं तो फिर वो पूरे इस पे गोल हो जाता है, और फिर जब वो लास्ट पे आता है तो वो फिर से चिपकता नहीं है। ये अभी यहाँ पे भी चिपकाना है रहता है, ताकि फिर वो पूरा स्ट्रांग बन जाए, उसको अगर हवा भी बीट करे तो भी वो उड़ते रहे। और आपके घर पे इनो के साथ तो होने ही चाहिए, चाहे वो एक्सपायर्ड हो या कैसे भी हो, यूजेबल हो या एक्सपायर्ड हो, हमें उससे मतलब नहीं। अगर आपके घर पे इनो का सेशे है तो आप इसको उड़ा भी सकते हैं,
खुद के कंट्रोल से नहीं, बट ये उड़ेगा जरूर। अभी जब ये चिपक जाता है तो हमने जो दो पीसेस किए थे पेपर के उनको ले लीजिए। इनमें भी सेलो टेप का यूज है और सीजर्स का। आपको ये भी समझ जाएगा कि हमने ये क्यों लिया है। जिस बारिश हो रही है इसलिए मुझे थोड़ी सर्दी खांसी हो गई है। हाँ, या मैंने इतने दिनों से कोई भी वीडियो नहीं भेजा क्योंकि मेरे घर पे मटेरियल्स नहीं थे बनाने के लिए। घर पे मटेरियल्स नहीं थे इसकी वजह से मैं कुछ बना नहीं पाया। मैं अपनी क्रिएशन को यूज करके कुछ बनाता हूँ, बट जब अगर कोई घर पे रही ना मटेरियल तो कैसे बनाता हूँ, कैसे बनाऊ। तो अभी मटेरियल आ गए इसलिए मैं बना रहा हूँ। अब फिर से जो उसका उनका एक कॉर्नर है ये वाला।